जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जमशेदपुर। फ्रेंड्स, आज हम हैं इलेक्ट्रिकल का एक स्टूडेंट के साथ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसराइल। ओके, तो आज आप क्या समझाने वाले हैं? रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टेंस कलर कोड के बारे में। वेरी गुड, तो प्लीज कैरी ऑन। रेजिस्टेंस का ये सिंबल है और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो है वो ओम होता है। ये एक रजिस्टर है, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है। इस टेबल के सहायता से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि आप टेबल को देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, ये कलर है। और ये हमारा बैंड है, नंबर ऑफ बैंड, और ये मल्टीप्लायर और ये टॉलरेंस है। तो फिर हम इस रेजिस्टेंस का इसका वैल्यू हम निकालेंगे। रेजिस्टर का ये रेजिस्टर में चार बैंड है, जो कि फर्स्ट ऑरेंज, सेकंड भी ऑरेंज और थर्ड जो रेड है, फोर्थ गोल्डन। ऑरेंज ऑरेंज है और रेड और ये गोल्डन। तो ऑरेंज का 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसका भी 3। और रेड का जो है दूसरा जो है मल्टीप्लायर, तो रेड का 10^3, तो हम इंटू करें इसको 10^3। और इसका जो है गोल्डन का प्लस माइनस 5%। तो ये इससे इंटू करेंगे तो टोटल हो जाएगा 3300 ओम। और हम इसका 5% निकालेंगे तो इसका 165 5% का 165 आएगा। तो हम इसमें 3300 में 165 माइनस एक बार करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। तो एक बार हम जब प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो 3135 होगा और एक बार प्लस करेंगे तो 3465 होगा। चलिए हम इसको देखते हैं मल्टीमीटर से नाप करके जो वैल्यू हमारा है वो सही है या फिर नहीं सही है। ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ओम पे। इसमें हमारा वैल्यू दिखा रहा है 3.2 किलो ओम, लगभग हमारे सेम वैल्यू के आसपास ही आ रहा है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा रजिस्टर से। फर्स्ट और सेकंड हमारा जो है वो रेड और तीसरा वाला जो हमारा है जो मल्टीप्लायर में ब्राउन और लास्ट जो है वो गोल्डन में। तो रेड का हमारा जो है 2 और 2 और जो हमारा ब्राउन का है
टेन द पावर फर्स्ट वन इंटू टेन द पावर वन और गोल्डन का प्लस माइनस 5%। तो हम इसको निकालेंगे, इसका टोटल हो जाएगा 220 ओम प्लस माइनस 5%। इसका 220 का 5% 11 आएगा, तो 220 में हम 11 माइनस करेंगे तो 209 होगा, और 220 में 9 प्लस करेंगे तो 231। तो इसका इतना वैल्यू आया 209 से देखे 231 तक। तो हम इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से, क्या हमारा वैल्यू सही आया या फिर गलत है। हमारा वैल्यू 220 यानी सेम ही आ रहा है, 220 पॉइंट कुछ यानी थोड़ा बहुत कम हो गया, सेम ही वैल्यू हमारा आ रहा है। अब हम रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, कनेक्शन करेंगे। और ये आर टू, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो हमारा फर्स्ट जो आर वन का वैल्यू आया था 3300 ओम था और प्लस 220 ओम। हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल जो है 3520 ओम, और इसको हम किलो में करेंगे कन्वर्ट तो 3.52 किलो ओम में आएगा। अब हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्शन करेंगे और हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। इसमें हमारा वैल्यू 3.48 किलो ओम में आ रहा है, जो कि हमारा वैल्यू कुछ ये सेमी के आसपास ही है। अब हम रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन करेंगे। ये आर वन और ये आर टू, तो आर ए इक्वल टू आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। आर वन जो हमारा है 3300 × 220, और यहाँ पे 300 + 220। तो हमारा वैल्यू जो आया 206.25 ओम। तो हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि हमारा वैल्यू इतना आया कि नहीं। इसमें 207.67 ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो लगभग हमारे सेम ही वैल्यू के आसपास ही आया है। सो फ्रेंड्स, वी हैव सीन दैट हाउ आवर स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड दिस वैल्यूज, दिस मैथमेटिक्स, और इसने कलर कोड के माध्यम से कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला, और उन्होंने फिर उस दो रेजिस्टेंस को सीरीज करके दिखाया और वैल्यू निकाला, फिर उस दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा के कैसे वैल्यू निकाला। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए मैं आपको बताता हूं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा ट्रेनिंग कराया जाता है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक के क्वालिफिकेशन को देखते हुए बहुत सारे
शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराया जाता है, जैसे कि PLC एंड स्काडा प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, CCTV ऑपरेटर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर, लैंड सर्वेयर, सिविल फोरमैन, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, क्रेन ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर एंड JCB ऑपरेटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेनिंग से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लैब आपको बेहद पसंद आया होगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस भी ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसका भी लैब बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है, क्योंकि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स को स्किल्ड और कॉम्पिटेंट बनाता है, जिसके बिना पर यहाँ के स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं और इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं और जॉब के लिए परेशान हैं, तो आइए आपको हम ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप सभी का ये अधिकार है कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजारें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास एक अच्छे जॉब का होना बहुत जरूरी है। और आज के इस कॉम्पिटेटिव टेक्निकल दुनिया में आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा। तो आइए आपको हम टेक्निकल ट्रेनिंग देकर जॉब करने के लायक बनाएंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्किल होगा तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा। तो आइए काम सीखें और देश विदेश में नौकरी पाएं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अगर हमारे Facebook पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर ले, ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वीडियो हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।